Spotlight, an ABP News Network initiative. जनवरी 2020, देश का दिल दिल्ली, जिसकी धड़कन सा धड़कने लगा था राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान का ये ऐतिहासिक परिसर। देश में हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले पूर्व कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम को समर्पित इस सभागार में देश भर से जुटे थे 1200 से ज्यादा किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधानकर्ता। ये खास मौका था देश की अग्रणी एग्रीटेक कंपनी धानुका की ओर से देश में अपनाई, प्रयोग में लाई जा रही इनोवेटिव कृषि प्रौद्योगिकी को सम्मानित तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए धानुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड्स के पहले संस्करण का। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड अपने स्थापना के समय से ही कृषक समुदाय की सेवा करने में अग्रणी रही है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के माननीय प्रधानमंत्री के मिशन को पूरा करने की दिशा में ये कंपनी का एक और बड़ा कदम है। आइए अब देखें इस खास कार्यक्रम की एक विस्तृत रिपोर्ट। किसी भी देश के लिए खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब बहुत आवश्यक है। हम सब लोगों को याद होगा 60s में हम अमेरिका से भीख में मांग के गेहूं खाते थे। आज जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है और 130 करोड़ को हम पार कर चुके हैं, तो आज हमने महसूस किया कि अगर हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ाते हैं और जल का संचयन नहीं बचाते हैं, तो आने वाली हमारी आबादी, उनको ना तो खाने को भरपेट रोटी मिलेगी, ना पीने को पानी मिलेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो कड़ी धूप में या सर्दियों की रातों में भी खेतों में काम करते हैं, आज बहुत प्रकार के अवार्ड हैं, लेकिन किसानों को सम्मानित करने का कोई विशेष ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हुआ। देखिए, हमने पूरे देश से करीबन 800 किसानों को बुलवाया है, जिसमें 32 वो किसान हैं जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि जो किसान भाई इतने दूर से चल के आए हैं, वो ज़रूर यहाँ से इस ज्ञान को लेके जाएंगे और इसका सिर्फ ना खुद फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि अपने गांव में और आसपास के किसानों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उस इलाके के सारे किसानों का फ़ायदा हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धानुका ग्रुप को और आर जी अग्रवाल साहब को भी, कि इन्होंने इस तरह का किसानों के लिए अवार्ड देने का तय किया। और निश्चित रूप से आज किसानों को जिस तरह से देखा, प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो इनके अवार्ड मिलने से दूसरे किसान भी इनसे प्रभावित होंगे और उसी तकनीकी को वो अपना कर उससे अपने खेत के अंदर उत्पादन अधिक ले सकेंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिव फार्मर को हर जगह इस तरह से जब सम्मानित होगा, तो उनको भी एक विश्वास जगेगा कि वास्तव में मैंने जो काम किया है उसका सरकार भी देख रही है और देश के जवान सभी लोग इस बात को देख रहे हैं। मैं धानुका ग्रुप को, आर जी अग्रवाल साहब को और परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ इनके विचार के लिए, इनकी सोच के लिए और इनके समर्पण के लिए इस देश के किसानों की। ये हमारे किसान भाई इस देश के करीब 50% हैं, 16% आज GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके कंधे सिकुड़ जाएंगे तो हमारा देश जो है किन विशाल कंधों पर खड़ा होगा। हमें यह प्रयास करना है कि ये मजबूत रहें। जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मुझे किसानियत बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा
किसानियत और इंसानियत एक ही चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों में मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा। तो इसलिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने अनाउंस किया कि हम इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड्स देंगे। करीब 4,500 एप्लीकेशंस आई थी। उन एप्लीकेशंस को किस रूप में बनाया जाए, जूरी ने एक प्रोफार्मा तैयार किया था, हर कैटेगरी में क्या क्या महत्व रखता है, कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक, जिसको कि हम डिफ्रेंशिएटेड डिसएग्रीगेटेड अप्रोच लेके कहते हैं, वो किया था। और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करने के लिए हमने स्पेसिफिक क्राइटेरिया तय की थी। अवार्ड्स की पहली कैटेगरी है खेती बाड़ी में इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान, और इस कैटेगरी में नेशनल लेवल पर विजेता है श्री अश्विनी सिंह चौहान जी। श्री अश्विनी सिंह चौहान को सोयाबीन की फसल में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड एट नेशनल लेवल से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अश्विनी सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं, जो सोयाबीन, गेहूं, चना और सब्जियों की खेती करते हैं। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पाइप सिस्टम के साथ बेड रोपण तकनीक को अपनाते हुए इन्होंने लकड़ी के लॉग ट्रैक्टर ड्रॉन ब्लेड हैरो, एकीकृत कृषि सिस्टम, बाढ़ सिंचाई से स्प्रिंकलर डिलीवरी सिस्टम में परिवर्तित किया तथा ट्रैक्टर संचालित पावर स्प्रेयर जैसे इनोवेशंस की शुरुआत की है और 12 लाख लीटर क्षमता के चेक डैम की स्थापना में सहयोग दिया है। मैं अश्विनी सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया नामा, तहसील गठिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का किसान हूँ। सर, आपको धानुका की तरफ से अवार्ड मिला तो आप कैसा फील कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो मैं धानुका इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सुदृढ़ गांव के किसानों को इस प्रकार से इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड जो इस साल स्टार्ट किया है, इससे किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा और नई एक उमंग जागेगी और इससे नए नए इनोवेशंस जो किसान कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पटल से अभी तक ये इनोवेशन नहीं आए हैं, तो इससे ऐसे किसान उभर के आएंगे जिन्होंने काफ़ी चीज़ों के अंदर अपने इनोवेशन कर रखे हैं, लेकिन आम जनता या नेशनल लेवल पे उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, तो इससे दूसरे किसानों को सीखने को मिलेगा। और मैं धानुका कंपनी को और धानुका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहल जो आपने स्टार्ट करी है, इससे ऐसे ही निरंतर बनाए रखें। अवार्ड्स की दूसरी कैटेगरी है खेती बाड़ी में इनोवेशन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान। शुरुआत करेंगे ईस्ट जोन से। इनोवेशन इन फार्मिंग कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्रीमती अनीता कुमारी जी को। श्रीमती अनीता कुमारी जी को भारत की पूर्वी क्षेत्रीय स्तर से मशरूम की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फ्रॉम ईस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। नालंदा में मशरूम लेडी के नाम से मशहूर ये बेहद सफल किसान एक विनम्र किसान परिवार से हैं। इन्होंने केवी के हरनौत में दाखिला लिया और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर से आगे प्रशिक्षण प्राप्त करके तकनीकी ज्ञान के साथ मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता कुमारी, ग्राम अनंतपुर, प्रखंड में चंदे, जिला नालंदा, का एक प्रगतिशील महिला किसान हूँ। हमने शुरुआत में मशरूम की खेती शुरू की, लेकिन हमने ग्रेजुएशन कर लिए थे, उसके बाद हमें काम कुछ जैसे मैं नौकरी की तलाश कर रही थी और हमें नौकरी नहीं मिली, तो हमने अपने परिवार के साथ जुड़कर कुछ काम करना चाहते थे, तो हमको मशरूम बहुत अच्छा लगा और मशरूम पर काम करना शुरू किया। हमने छोटे ही तौर तरीके से पहले अपनाया, जिस 20 बैग से आज हमारे पास 10,000 बैग लगते हैं और प्रतिदिन मशरूम लगते हैं। 10,000 महिला किसानों को जोड़कर हम काम करते हैं। हमने एक एलियो भी बनाया है, उसमें करीब करीब 1,500 से 1,000 किसान को जोड़ने का लक्ष्य है। उसके माध्यम से किसानों को जितना भी हमसे सुविधा मिल पाए उतना हमको भरपाई करते हैं। और मैम, ये आपको धानुका की तरफ से अवार्ड मिलकर आपको कैसा लग रहा है? जब हमको अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है और हौसला बुलंद ऊपर ऊंचाई ले जाने की हौसला हमको बढ़ा देता है। धन्यवाद। अब बारी है वेस्ट जोन की।
वेस्ट जोन से इनोवेशन इन फार्मिंग कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्री समाधान दयाराम पाटिल जी को। श्री समाधान दयाराम पाटिल जी को भारत के पश्चिमी क्षेत्रीय स्तर से कपास के उत्पादन में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फ्रॉम वेस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पाटिल महाराष्ट्र के जलगांव के एक प्रगतिशील कपास किसान हैं, जो एकीकृत फसल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर अपनी भूमि के लगभग 2 हेक्टेयर पर कपास की खेती कर रहे हैं और इनकी आय में खासा वृद्धि हुई है। इन्होंने फसल विविधीकरण की तकनीक के अलावा मुर्गी पालन उद्योग, मछली पालन उद्योग और डेयरी फार्म जैसे अन्य सहायक उद्यमों को अपनाया है और जलगांव जिले में शिमला मिर्च पॉली हाउस स्थापित करने में भी अग्रणी रहे हैं। इन्होंने किसानों को क्षेत्र में शिमला मिर्च के लिए पॉली हाउस और शेड नेट की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया है। अब नॉर्थ जोन की बारी। इनोवेशन इन फार्मिंग कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्री अब्दुल हादी खान जी को। श्री अब्दुल हादी खान जी को भारत के उत्तरी क्षेत्रीय स्तर से गन्ने के उत्पादन में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फ्रॉम नॉर्थ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। ये एक प्रगतिशील गन्ना किसान है। इन्होंने फसल उत्पादकता में सुधार के लिए गन्ने में फेरोमोन ट्रैप एंड फ्रूट ट्रैप इत्यादि जैसी प्रभावी और आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। ये अपने 8 हेक्टेयर खेत पर अन्य फसलों की खेती भी करते हैं, जिससे आश्चर्यजनक लाभ होता है और इन्होंने अपने क्षेत्र के कई किसानों को फसल विविधीकरण और मिक्स फार्मिंग के लिए प्रेरित भी किया है। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट अपने स्वयं के खेत में प्रयोग किया और अन्य कृषकों को भी उपलब्ध कराया है। अब बारी है साउथ जोन की। साउथ जोन से इनोवेशन इन फार्मिंग कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्री एन नागेश्वर आर राजू जी को। श्री एन नागेश्वर आर राजू जी को भारत के दक्षिणी क्षेत्रीय स्तर से बागबानी के उत्पादन में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फ्रॉम साउथ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजू आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के एक अध्ययनशील और प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने अपने जिले में कई नवीन तकनीकों का उपयोग और प्रचार किया है, जैसे कि ड्रम सीडर के माध्यम से डायरेक्ट सीडलिंग, सीडी पैडी मशीन से रोपाई और सिंगल बड सेट से गन्ने की बुआई। इन्होंने मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, अंतर्वर्तीय फसल जैसी पद्धतियों का उपयोग अपने बागबानी में सराहनीय सफलता के साथ किया है। ट्राइबल एरियास की बारी। ट्राइबल एरिया से इनोवेशन इन फार्मिंग कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्री बलराम पाटीदार जी को। श्री बलराम पाटीदार जी को भारत के आदिवासी क्षेत्रीय स्तर से पपीता, टमाटर और मिर्च की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फ्रॉम ट्राइबल एरिया से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पाटीदार एक प्रगतिशील पपीता, टमाटर और मिर्च उत्पादक किसान हैं, जिन्होंने पपीता, टमाटर और मिर्च की खेती करने के लिए ट्रैक्टर संचालित बंड मेकर को फर्टिलाइजर ड्रिल से संशोधित किया। इन्होंने जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग और प्रदर्शन किया है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उचित जल निकास तकनीक यानी ड्रेनेज सिस्टम, बारिश के पानी का संग्रहण, खेत का मशीनीकरण, फसल विविधीकरण, अपने फार्म में डेयरी का निर्माण आदि।
से? मैं ग्राम सारंग से बारह पाटदार जिला चौपा मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मध्य प्रदेश से प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था। दूसरा पुरस्कार मुझे उद्यानिकी में भी मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल से दिया गया। तीसरा कृषि मंत्री द्वारा भी मुझे पुरस्कार मिला गया। उद्यानी बागवानी खेती में मैं बहुत ही आगे हूँ। ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर की खेती करता हूँ, इसलिए मुझे 3-4-5 पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं। आपको किस चीज़ के लिए अभी धानुका से पुरस्कार मिला है सर? धानुका से मुझे पुरस्कार आज मिला है पपीते की खेती और अपने अमरुद की खेती, शिमला मिर्च की खेती, ड्रिप इरीगेशन के बारे में, इसीलिए मुझे धानुका ने अवार्ड दिया है। सर आपको अवार्ड मिल के कैसा लग रहा है अभी? अवार्ड मुझे मिल के बहुत खुशी हो रही है सर। जो मेरे को आज इतने लोगों में चुना गया, मैं अवार्ड बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। जो कि धानुका कंपनी ने मुझे चुना है, इसलिए बहुत ही खुश हूँ मैं। धन्यवाद। अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन कॉटन क्रॉप, और कपास की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है श्री गणेश नानोते जी को। श्री गणेश नानोते जी को कपास की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री गणेश नानोते जी अकोला महाराष्ट्र के गांव निम्भाड़ा के एक सरल सहज किसान हैं, जिन्होंने बुआई की विधियों में महत्वपूर्ण संशोधन करके कपास उगाई हैं। जैसे कि समय से पहले कॉटन बेड्स में कपास की बुआई, प्रारंभिक चरण में ही पिंक बॉल वार्म को नियंत्रित करना, पानी बचाने का काम और कपास की खेती की लागत में कमी लाना, ये खुलकर अपनी सफलता के तरीके दूसरों के साथ साझा करते हैं। और इनके इन संशोधित विधियों व तकनीक ने क्षेत्र के किसानों के लिए कपास को सफेद सोने में बदल दिया है। अब बारी है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन मेज क्रॉप, और मक्के की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है हमारे दोनों ही नॉमिनीज श्री मचारापुर रामा कोटेश्वरा राव जी और श्री परमजीत सिंह जी को। श्री मचारापुर रामा कोटेश्वरा राव जी और श्री परमजीत सिंह जी को मक्का की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मचारापुर रामा कोटेश्वरा राव जी को मक्का की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री राव एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र गरिकापादु जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश के डॉक्टर के एल राव कृषि विज्ञान केंद्र से जीरो टिलेज तकनीक सीखी है और अपने मक्के की खेती में इसका इस्तेमाल किया है। लागत और पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए इन्होंने अपनी खेती में लागत से 10 गुना ज्यादा आय अर्जित करने के लिए अपनी खेती में नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी उन्नति को अपनाया है। సార్ చెప్పండి మీ పేరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? మీకు అసలు ఈ అవార్డు ఎందుకు వచ్చింది? ఇది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అవార్డు ఇచ్చినందుకు? చాలా సంతోషం ఉంది. మంచి కృషి నేను నా కృషిని గుర్తించినందుకు ఆ సైంటిస్ట్లు మరి ధనుక కంపెనీ వారు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు। श्री परमजीत सिंह जी को भी मक्का और सूरजमुखी की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये मक्का और सूरजमुखी की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हैं। मक्के की खेती में ड्रिल तकनीक के साथ फारो बुआई सीखने और लागू करने वाले परमजीत सिंह जी अपनी खेती की लागत से लगभग
10 गुना ज्यादा आय अर्जित करते हैं। इनकी इस पद्धति को राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई है और प्रोत्साहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। अगला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन ऑयल सीड क्रॉप, और तिलहन की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है श्री परमार कांतिलाल कुबेर भाई जी को। श्री परमार कांतिलाल कुबेर भाई जी को तिलहन की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुबेर भाई की अपनाई तकनीक ने अरंडी की खेती को अधिक किफायती और बेहतरीन उपज देने योग्य बनाया है। जिन किसानों ने पहले उच्च लागत और कम मुनाफे के कारण अरंडी की खेती बंद कर दी थी, उन्होंने श्री कुबेर भाई की सफलता से प्रेरणा लेकर अरंडी की खेती फिर से शुरू कर दी है। अगला अवार्ड है इनोवेशन फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन पैडी क्रॉप, और धान की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है श्री पंडिती कृष्णा मूर्ति जी को। श्री पंडिती कृष्णा मूर्ति जी को धान की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कृष्णा मूर्ति जी ने नवीन तकनीकों को अपनाया है। वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं और केवीके में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित भाग लेते हैं। धान इंटेंसिफिकेशन और कोनो बीडर अपनाकर इससे धान की उपज दोगुनी करने तथा साथ ही बीज की गुणवत्ता में काफी सुधार लाने में सक्षम हुए हैं। నా పేరు పందిరి కృష్ణమూర్తి. మాది కడప జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. మేము ఈ తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువగా దిగుబడి పట్టించే ప్యాడీ వరి మీద 63 బస్తాలు పండించినాను. 2010104 అనే వెరైటీ. దీనికి మాకు ఈ తదుప కంపెనీ వారికి కృతజ్ఞతలు. మాకు ఇక ఇక్కడ సహకరించిన దానికి అచ్చిబాబు సారు, మస్తాను మల్లి సార్ అందరికి వాళ్ళకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇటు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. अगला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन पल्सेस, और दलहन की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है कट्टा रामा कृष्णा जी को। श्री कट्टा रामा कृष्णा जी को दलहन की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री रामाकृष्णा जी ने बारिश पर निर्भर परिस्थितियों में भी दलहन फसलों में सबसे अधिक उपज प्राप्त की। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इनके खेत में उपलब्ध कराई गई उड़द, मूंग, अरहर तथा चने की 40 से अधिक किस्मों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वे चना में ट्राइकोडर्मा के साथ बीज उपचार भी करते हैं और काबुली चने में स्प्रिंकलर के साथ साथ पूसा हाइड्रोजेल ग्रेनुल्स का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। अगला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन शुगर केन क्रॉप, और गन्ने की फसल में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है श्री ओमकार त्यागी जी को। श्री ओमकार त्यागी जी को गन्ने की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री त्यागी जी गांव बदकली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादन में एक प्रगतिशील किसान हैं।
जिन्होंने सिंगल बड सेट के साथ ट्रेंच मेथड प्लांटिंग तकनीक का उपयोग करके गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि की है। गेहूं की फसल में इनोवेशन का परिचय देने के लिए सर्वश्रेष्ठ गेहूं किसान सम्मान अवार्ड जाता है श्रीमती शशि खंडेलवाल जी को। श्रीमती शशि खंडेलवाल जी को गेहूं की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शशि खंडेलवाल जी ने गेहूं उत्पादन में सुधार के लिए मिट्टी और पानी के विश्लेषण के आधार पर लाइन सोइंग और इष्टतम फर्टिगेशन जैसे विभिन्न नवाचारों को अपनाया। इन्होंने बीज और मिट्टी जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बीज उपचार भी किया जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए अक्सर वैज्ञानिकों कृषि इनपुट प्रदाताओं और प्रगतिशील किसानों की सलाह का पालन करते हैं और अन्य किसानों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। नई तकनीकों को अपनाने से उपज के नुकसान को कम करने में इन्हें सहायता मिली है। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। सर नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश का किसान रहने वाला छिंदवाड़ा जिले के छोटा सा कस्बा चौने का वहाँ का रहने वाला हूँ। इसके पहले भी मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार कृषि गवर्नमेंट पुरस्कार मिला। मैं बहुत कम लागत में कम बीज डाल के ज़्यादा पैदावार निकालने का ज़्यादा इच्छुक और मैं हर फसल एक ही फसल के ऊपर खेती नहीं करता। हर सीजन में हर और जैसे बरसात में कई प्रकार की खेती मक्के की करता हूँ, धान लगाता हूँ, ज्वारी लगाता हूँ, कपास लगाता हूँ, सोयाबीन लगाता हूँ। एक ही फसल के ऊपर आधारित नहीं है मेरे। यदि मैंने खासकर जो कारण कोई फसल कट जाए तो मेरे दूसरी जो है उससे मेरा घाटा ही होगा। दूसरी बात, मैं मछली पालन भी करता हूँ, दूध डेयरी भी, मुर्गी पालन भी, बकरी पालन भी, आम की बागवानी भी। सर आपको ये 120 झाड़ में आम के जिसमें 8-10 वेराइटी लंगड़ा चौसा इस प्रकार के आम। सर आपको ये अवार्ड मिल के कैसा लग रहा है आपको? सर अवार्ड तो अवार्ड होता था, इतने बड़े मंच पे आपने बुलवा के हमारा सम्मान किया, इसमें अवार्ड नहीं, हमारा सर ऊंचा हो गया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे धानुका कंपनी वालों को जिनने कम से कम ऐसी प्रथा इसमें हम किसान भाइयों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। आज मेरे को मिला, कल दूसरा सोचेगा कि वो और मेरे से ज़्यादा मेहनत करके और देश को आगे बढ़ाने में अपना समय दिए। धन्यवाद सर। अगला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन फ्रूट क्रॉप और फलों की खेती में इनोवेशन अपनाने के लिए अवार्ड जाता है श्री भोसले दत्तात्रेय साहेब राव जी को। श्री भोसले दत्तात्रेय साहेब राव जी को फलों की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री साहेब राव जी ने अपनी 24 हेक्टेयर भूमि में अनार के पौधे लगाए और शुष्क क्षेत्र में पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया। आधुनिक कृषि तकनीक प्रयोग करके अवशेष मुक्त निर्यात गुणवत्ता वाले अनार का उत्पादन किया। ये अपने खेतों में पानी और बिजली बचाने के लिए 100% ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं और हमेशा बीमारी या कीट मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले अनार फल का उत्पादन करने के लिए नवीनतम तकनीक सीखते रहते हैं। मैं श्री दत्तात्रेय साहेबराव भोसले हेड पोस्ट सरपोली तालुका पंढरपुर डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र। सर आपको धानुका की तरफ से किस चीज के लिए अवार्ड मिला है? सर मैंने अनार में जो काम किया है एक्सपोर्ट का, यूरोप एक्सपोर्ट का, तो मेरे खेत में मैं अनार की खेती करता हूँ और उसको मैं यूरोप एक्सपोर्ट रेसिड्यू फ्री फार्मिंग जो कि रसायन केमिकल्स और जीवाणु बैक्टीरिया ये इसका यूज करते हुए हम उसको रेसिड्यू फ्री उत्पाद के समय जो रेसिड्यू फ्री का उत्पाद होता है उसके लिए वो रिपोर्ट में दर्ज करवाए
करवाना पड़ता है और उसका लैब रिपोर्ट आएगा तो वो यूरोप के लिए जाता है, जो कि उसमें कोई भी पॉइजन नहीं होता, रेसिडुअल फ्री होता है और मानवीय आरोग्य के लिए ना ही हानिकारक होता है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और सर, ये आपको अवार्ड मिल के कैसा लग रहा है अभी? अभी इतना फील हो रहा है मुझे, मेरे फैमिली की याद आ रही है, मेरे माँ बाप गुजर रहे हैं, लेकिन ये पुरस्कार मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। और मेरे भाई, मेरे जो भाभी जी है, मेरे पास बहनाएं हैं, ये सभी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा फील रहा है और दानुका का मैं सबसे बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने के पुरस्कार के लिए मेरे जैसे एक किसान को चुना उन्होंने, बहुत ही धन्यवाद दानुका। थैंक यू सर। अगला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मा अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन वेजिटेबल क्रॉप और शाक सब्जी में इनोवेशन अपनाने के लिए। अवार्ड जाता है दो किसानों को, श्री आकाश चौरसिया जी को और श्री संजीव कुमार जी को। श्री आकाश चौरसिया जी को और श्री संजीव कुमार जी को शाक सब्जी की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। नवोदित किसान और उद्यमी श्री आकाश चौरसिया जी ने मानव जाति और राष्ट्र की सेवा करने के लिए खेती को अपने पेशे के रूप में चुना। इन्होंने वर्मी वॉश कलेक्शन, फोलिया फार्मिंग प्रैक्टिस जैसे भूमि के अंदर अदरक, सतह पर सब्जी, क्रीपर क्रॉप जैसे आईवी लौकी, कुंदरू और वर्टिकल लेयर में पपीता जैसी तकनीकों में दक्षता प्राप्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में 8 गुना वृद्धि और लागत में 3-4 गुना कमी हुई है। श्री संजीव कुमार जी कीट और रोग नियंत्रण के लिए आईपीएम तकनीक अपनाने वाले एक और प्रगतिशील किसान हैं। ये वैशाली जिले के स्थानीय युवाओं को फूल गोभी के बीज और अन्य बागबानी फसलों के उत्पादन की नवीनतम तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, हम ग्राम चकवारा हाजीपुर जिला वैशाली बिहार के प्रगतिशील किसान हैं। हमारी विशेषता फूलगोभी की अगेती किस्म का बीज उत्पादन है और हम फूलगोभी की अगेती का बीज उत्पादन कर बिक्री करते हैं और हमने फूलगोभी की एक नई प्रजाति भी विकसित की है। सर, आपको धानुका की तरफ से किस चीज के लिए अवार्ड मिले? मुझे धानुका की ओर से फूलगोभी बीज उत्पादन के लिए अवार्ड मिला है और मैं इसके लिए धानुका परिवार को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और धानुका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच से पुरस्कार पाते हुए मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। अगला अवार्ड है इनोवेशन फार्मा अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन फ्लोरिकल्चर क्रॉप। अवार्ड जाता है श्रीमती स्वाति अरविंद शिंगले जी को। श्रीमती स्वाति अरविंद शिंगले जी को फूलों की खेती में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका इनोवेटिव फार्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शिंगले जी के ज्ञान और तकनीकों के उपयोग ने इन्हें इनकी लागत पर बढ़िया मुनाफा दिया और एक किसान से एक प्रगतिशील उद्यमी में उनका एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। ये महाराष्ट्र और विदेशों में महिला उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देती हैं। इनकी सफलता की कहानियां अखबारों और विभिन्न समाचार चैनलों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है और ईस्ट जोन से सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड कैटेगरी में अवार्ड जाता है श्री दिलीप कुमार सिंह जी को। श्री दिलीप कुमार सिंह जी को भारत के पूर्वीय क्षेत्रीय स्तर से जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम ईस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। श्री सिंह ने एक अग्रिम किसान के रूप में पानी के मूल्य को समझा और वर्षा जल संचयन के माध्यम से पानी बचाने की पहल की। इन्होंने अपने प्रक्षेत्र पर वर्षा जल संरक्षण की शुरुआत की है, जिससे क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार हो सके। पानी के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग के लिए ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के माध्यम से
अधिकतम फसलों की सिंचाई करते हैं। 16 साल के खेती के अनुभव के साथ इन्हें सब्जियों के उत्पादन की भी गहरी जानकारी है और इन्होंने सिंचाई की इस तकनीक का उपयोग करके सब्जियों की खेती में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। सर आपका परिचय। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह, ग्राम महतीगंज, पोस्ट सासाराम, जिला रोहतास, बिहार के। मैं एक किसान हूँ और ये अवार्ड जो है हमें इसलिए मिला कि जो बंजर भूमि, बेकार भूमि पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली था और वहाँ जो है जमीन में भी पानी नहीं है, उसको जो है जो बरसात का पानी होता है उस पानी को जो है पूरा स्टोर करके और वहाँ जो है स्प्रिंकलर से और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से जो है वहाँ हम सिंचाई करते हैं। और इस तरह से जो है हमारा काम जो है ये 2009 से जो है इस तरह से हम कर रहे हैं। जो इसी तरह खराब भूमि पड़ा हुआ है, जो बंजर है, जहाँ पानी के चलते जो है उस पर कोई भी फसल नहीं उगता है, जो पथरीला है उसके जो है वैसे भूमि में इस तरह का जो है पानी को स्टोरेज करके और पानी का ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन के माध्यम से जो है और उसको बेड सिस्टम नाली बनाकर जो है पानी का बचत करके जो है इस तरह से अपना। सर आपको ये अवार्ड मिलके कैसा लग रहा है? ये अवार्ड जो है हमें बहुत मैंने अच्छा लगा, हमको जो है इस काम करने के लिए जो है और प्रभावित किया और इसको जो है जोर शोर से जो है हम इसके ऊपर जो है काम करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर खेती करेंगे। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह, ग्राम महतीगंज, पोस्ट सासाराम, जिला रोहतास, बिहार के। मैं एक किसान हूँ और ये अवार्ड जो है हमें इसलिए मिला कि जो बंजर भूमि, बेकार भूमि पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली था और वहाँ जो है जमीन में भी पानी नहीं है, उसको जो है जो बरसात का पानी होता है उस पानी को जो है पूरा स्टोर करके और वहाँ जो है स्प्रिंकलर से और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से जो है वहाँ हम सिंचाई करते हैं। और इस तरह से जो है हमारा काम जो है ये 2009 से जो है इस तरह से हम कर रहे हैं। जो इसी तरह खराब भूमि पड़ा हुआ है, जो बंजर है, जहाँ पानी के चलते जो है उस पर कोई भी फसल नहीं उगता है, जो पथरीला है उसके जो है वैसे भूमि में इस तरह का जो है पानी को स्टोरेज करके और पानी का ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन के माध्यम से जो है और उसको बेड सिस्टम नाली बनाकर जो है पानी का बचत करके जो है इस तरह से अपना। सर आपको ये अवार्ड मिलके कैसा लग रहा है? ये अवार्ड जो है हमें बहुत मैंने अच्छा लगा, हमको जो है इस काम करने के लिए जो है और प्रभावित किया और इसको जो है जोर शोर से जो है हम इसके ऊपर जो है काम करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर खेती करेंगे। धन्यवाद सर। अब बारी है वेस्ट जोन की। वेस्ट जोन से फार्मर फॉर सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड जाता है उद्धव आसाराम खेडेकर जी को। उद्धव आसाराम खेडेकर जी को भारत के पश्चिमी क्षेत्रीय स्तर से जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम वेस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। प्रगतिशील किसान के रूप में श्री उद्धव आसाराम खेडेकर जी ने अपने क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को पहचाना और वर्षा जल संचयन तकनीकों के माध्यम से पानी बचाने की पहल की और न केवल अपनी आय में वृद्धि की बल्कि अन्य किसानों को भी उनका लाभ बढ़ाने में मदद की। ये कई फसलों की खेती करते हैं जिससे इन्हें साल भर अतिरिक्त आय और उच्च प्रतिफल मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको परिचय दीजिए। मैं उद्धव आसाराम खेडेकर महाराष्ट्र से हूँ। जल संधारण और मिट्टी संधारण के लिए मुझे पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार लेके मैं बहुत जैसा खुश हूँ। दरोगा के दौर से और दरोगा के लिए मेरी ये बहुत बहुत बधाई है उनके कार्यक्रमों के लिए और मुझे यहाँ लाके मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं भी और आभारी दरोगा का आभारी। अब नॉर्थ जोन की बारी।
नॉर्थ जोन से फार्मर फॉर सेफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड जाता है श्री सुभागमल मीना जी को। श्री सुभागमल मीना जी को भारत के उत्तरी क्षेत्रीय स्तर से जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम नॉर्थ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। प्रगतिशील किसान के रूप में सुभागमल मीना जी ने पानी के महत्व को समझा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी बचाने की पहल की। इन्होंने अपने क्षेत्र में तालाबों का निर्माण किया और सिंचाई के लिए कंक्रीट के पानी के चैनल बनाकर सिंचाई के पानी का कुशल प्रबंधन किया और पानी के उपयोग की दक्षता में वृद्धि की ओर अग्रसर हुए। इनकी पहल से इनके क्षेत्र में आज 250 से अधिक तालाब कार्यात्मक स्थिति में हैं और उनके क्षेत्र और परिवेश में भूजल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सर सुभागमल मीना है, राजस्थान के बूंदी जिले से रहने वाला हूँ और मैंने हमारे एरिया में पानी की सर बहुत कमी थी तो मैंने बरसात का पानी को इकट्ठा करके बागवानी मिशन में 4 एकड़ जमीन में मैंने अमरूद लगाए हैं और उसी पानी से मैं मेरी आय को 6 गुना तक कर चुका हूँ और आगे मेरा लक्ष्य 2022 तक 10 गुना करने का इरादा है, जो लगभग 30 लाख तक पहुँचा दूंगा सर बरसात के पानी से। और सर ये अवार्ड लेके आपको कैसा लग रहा है सर? सर मुझे इतनी खुशी हुई है आज की, मेरे जीवन का वास्तविक जो मेहनत की उसका परिणाम मुझे आज ही मिला है, बहुत खुशी की बात है। आज हम एक किसान वहां से यहां तक पहुंच गए, बहुत बहुत बधाई है सर, धन्यवाद। अब बारी है साउथ जोन की। साउथ जोन से फार्मर फॉर सेफ वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड जाता है महादेव जोदत्ती जी को। श्री जोदत्ती जी ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की पहल की। इन्होंने अपने क्षेत्र में तालाब बनवाए हैं और कंक्रीट चैनल द्वारा सिंचाई के लिए पानी के प्रभावी उपयोग के बारे में जानकारी दी है। बरसात के मौसम में जब कुओं का जलस्तर बढ़ जाता है तो वाटर लिफ्टिंग की तकनीक का उपयोग करते हुए कुएं से तालाबों में लगभग 3 करोड़ लीटर पानी को जमा करते हैं जो बाद में सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ್ ಸೋಪ ಜೋಡಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಸೌಸುದ್ದಿ, ತಾಲೂಕು ರಾಯಬಾಗ್, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಳಗಾಂ, ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ಭಾರತ. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನುಕಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಬನಾನಾ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪಹಲೆ ತುಂಬ ಬಧಾಯಿ ದೇನಾ ಚಾಹುಂಗಾ ಧಾನುಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋ ಉನ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ ಕಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಆಯೋಜನ್ ಕಿಯಾ और मैं देखता हूँ कि वो हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन करते हैं जिसमें किसानों को, वैज्ञानिकों को और गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं उनको एक साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और उनके जो ग्राउंड लेवल पर जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और जो भी स्ट्रेटजी है उस तरह की चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन रहता है और हमें जो फीडबैक आपसे मिलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 से हमको कहा है और एक टारगेट दिया है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है. इसी का एक ही मतलब है, किसान का कल्याण वो चाहते हैं. अगर किसान का कल्याण को वृद्धि करना है तो इनकम सिक्योर होने की आवश्यकता है. यह तो पहला कदम है. तो दूसरा कदम है कि हम भविष्य में ऐसे ही इनकम के आधार पर ही हमारा कृषि को चलाएँगे. हमारा किसान एक बिजनेसमैन बनेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, अपने खुद प्रॉफिट के लिए. और इसके लिए जो परिवर्तन चाहिए विज्ञान में, जो परिवर्तन चाहिए पॉलिसीज़ में, एक्सटेंशन में, अगर ये सब को हम एकत्रित करेंगे तो ज़रूर हमारा जो
लक्ष्य है और सरकार का लक्ष्य जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, किसान का कल्याण जरूर होगा। जैसे आपके गांव में एक 8-10 लोगों के खेत लग के है, तो आप सोचिए कि आप सब लोग मिलके एक दिन या दो दिन उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जितने कीड़ है या डिसेस है ये एक दूसरे से अकेले से नहीं होगा, तो ये कम्युनिटी बेसिस पे आप जितना करेंगे मुझे लगता है कि वो एकात्मिक कीट नियंत्रण जो इन्होंने बताया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसका एक पार्ट है। कम्युनिटी कंट्रोल ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है और इसका आप इस्तेमाल करिए। अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है ICAR, SAUs, CAUs जैसे कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव तकनीक व्यवहार करने वाले संस्थानों का सम्मान और बेस्ट वर्किंग इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में अवार्ड जाता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश को। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को धानुका इंस्टीट्यूशनल अवार्ड फॉर बेस्ट वर्किंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। नवीन तकनीकियों के विकास और उनको किसानों तक पहुंचाकर किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश में कृषि के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अगला अवार्ड है KVK द्वारा कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव में योगदान करने वाले संस्थानों का सम्मान और बेस्ट वर्किंग इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में अवार्ड जाता है कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को धानुका इंस्टीट्यूशनल अवार्ड फॉर बेस्ट वर्किंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आदिवासी इलाके और विशेष रूप से ICT में प्रौद्योगिकी के इनके असाधारण उपयोग ने आदिवासी किसानों तक उन्नत तकनीक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें SMS आधारित किसान मोबाइल सलाह सेवा शामिल है। निजी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए KVK ने किसानों को कड़कनाथ मुर्गी की प्रजाति के अंडे की प्राकृतिक हैचिंग की तकनीक में प्रशिक्षित किया, जिससे किसान जो कड़कनाथ प्रजाति को प्रजनन करने में सफल हुए, जिसके फलस्वरूप किसान उच्च गुणवत्ता वाला चिकन और अंडों का उत्पादन कर उन्हें निर्यात करके अच्छी आमदनी के पात्र हुए। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को जो ये धनुका अवार्ड मिला हुआ है, इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र एक झाबुआ ऐसी जगह प्रसिद्ध है जहाँ पर करीब 89% तक ट्राइब है और लिटरेसी परसेंट वहाँ करीब 34% ही है। उसके बाद भी हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और कई टेक्नोलॉजी जिसमें खासकर लाइन चोइंग है, इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप डाइवर्स की किसान है, इसके साथ ही साथ झाबुआ की जो विशेष एक प्रजाति है कड़कनाथ, उसको हमने पहचाना जाना और उसे हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के करीब 20 राज्यों में उसको फैलाया और अब उसकी जो मांग है वो मतलब विदेशों से भी आ रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने जो उपलब्धि प्राप्त की थी उसको जो धनुका कंपनी है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को पूर्व में भी काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं, इसमें बेस्ट KVK अवार्ड और ICAR, इसके अलावा झोलन अवार्ड, महिंद्रा समृद्धि अवार्ड। तो निश्चित ही अच्छा लगता है जब भी किसी इस स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है, जो कि झाबुआ के हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिन्होंने कि एक अपने अजीविका का साधन बनाया हुआ है और इसके साथ ही साथ इससे हम में उनकी जो माइग्रेशन है एक बड़ी समस्या है, उसको भी कोशिश की है कि माइग्रेशन को भी चेक किया जाए जिससे कि भविष्य में लोगों में आमदनी बढ़े और हमारी आदिवासी भाइयों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार। धन्यवाद। अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस एट जोनल लेवल और वेस्ट जोन से सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में अवार्ड जाता है कृषि विज्ञान केंद्र जालना को। कृषि विज्ञान केंद्र जालना को भारत के पश्चिमी क्षेत्रीय स्तर में जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड
फॉर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वेस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। मराठवाड़ा क्षेत्रीय सहाय मंडल जालना के कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1992 में मराठवाड़ा क्षेत्रीय सहाय मंडल द्वारा की गई। कृषि के क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा वॉटरशेड विकास, सामुदायिक खेत तालाब, व्यक्तिगत खेत तालाब, सुरक्षात्मक खेती के विकास के साथ साथ जल संचय की एक अनूठी मिसाल के साथ इस केवीके द्वारा अन्य उपलब्धियों की विस्तृत संख्या शामिल है। नमस्कार, आज धानुका ने जो कृषि विज्ञान केंद्र जालना का सम्मान किया है, इसलिए सबसे पहले मैं तो धानुका का बहुत बहुत आभारी हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र जालना डिस्ट्रिक्ट में 1992 से कार्यरत है, जो कि हमारा सूखाग्रस्त इलाका समझा जाता है, जहाँ की हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और इसलिए हमने जो कुछ इसमें वाटर खड़ा किया है, इसको हम कड़ौन की वाटरशेड बोलते हैं, जहाँ पे कि 15 साल से पहले काम हो चुका है, जिसमें कि फार्मर की जो गांव की आय थी वो पहले 77 लाख रुपीज़ की बॉर्डर कृषि की, जो कि हम आगे करीबन 70 करोड़ से ज़्यादा लेकर गए हैं। और पूरे गाँव में ग्रेप्स और हार्डपॉन्ड्स का फैलाव किया है, तो इसीलिए हमने काम किया है। जो गवर्नमेंट का जो डबली फार्मर इनकम का जो कुछ आ रहा है, तो उसी हम ये काम खास करना चाहते हैं। और इसी बात ऐसी कि हम बहुत सारे किसानों को फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। हम चाहते हैं आगे करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मजबूत करके किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ धानुका ग्रुप का कि उन्होंने किसानों की कर्मणा को सम्मानित करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने कर्म से अपने आप को एक लीडर के रूप में अपने क्षेत्र में प्रस्तुत किया है और अनेक लोगों को अपने काम से अपने कर्म से प्रेरणा देने का अवसर का मौका दिया है, ऐसे लोगों का अभिनंदन करना, ऐसे लोगों का सम्मान करना, निश्चित रूप से ही वो ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले धानुका ग्रुप के लिए भी एक सम्मान का काम है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ। और नॉर्थ जोन से सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में अवार्ड जाता है कृषि विज्ञान केंद्र चुरू को। कृषि विज्ञान केंद्र चुरू को भारत के उत्तरी क्षेत्रीय स्तर से जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम नॉर्थ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। केवी के सरदार शहर के उल्लेखनीय योगदान में पानी की बचत करने वाले संयंत्रों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का निर्माण और रखरखाव, कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, वर्षा जल संग्रह और इसके उपयुक्त उपयोग की विधि प्रदर्शित करने के लिए 20 लाख लीटर जल क्षमता की जल संचयन संरचना का निर्माण करना शामिल है। मैं आभार समर्पित करता हूँ कि जिनकी कड़ी मेहनत से और धानुका के इस योग से कि वो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवार्ड दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र में जो जल संचय का, वर्षा जल संरक्षण का जो कार्य कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को मोटिवेट किया गया, उनको थोड़ा सा ट्रेंड किया गया और उसके बाद वो खुद जो इसको कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खुद भी इसकी कम से कम 20 लाख लीटर कैपेसिटी की 2 एकड़ हमारे यहाँ लगा के उस जल संचय का हम इसको दे रहे हैं। और मैं आगे इस पूरे अवार्ड के लिए पूरी पूरी केवी की टीम को और हमारे पूरे केवी के किसानों को सबको समर्पित करता हूँ। अब बारी है साउथ जोन की और साउथ जोन से सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में अवार्ड जाता है कृषि विज्ञान केंद्र श्रीकाकुलम को। कृषि विज्ञान केंद्र श्रीकाकुलम को भारत के दक्षिणी क्षेत्रीय स्तर से जल संचयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अभिनव तकनीक अपनाने के लिए धानुका सेव वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनोवेशन अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम साउथ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। यह संस्थान जनता के सम्मुख प्रदर्शनों के आयोजन के साथ साथ विस्तार अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करने और जिला विशिष्ट कृषि और व्यवहार्य तकनीक पर नए और अनुभवी किसानों को प्रशिक्षित करके कृषक समुदाय की सेवा करता है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, वी हैव गॉट दनुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट श्रीकाकुलम।
under the Nikra project, we have done the work for harvesting of rainwater in an area of 18 acres of a community tank. We have developed a community tank and nearly 155,000 square meter area we have storing the water. And the water is been successfully utilized for the crops in Kharif and Rabi. Now farmers are getting good yields at the, as well as the flood also reduced in the village. So for that, the Dhanuka Innovative Award we got for the rainwater harvesting. We are very happy for getting this award on behalf of Acharya Indiranga Agriculture University and Krishi Vigyan Kendra Srikakulam. We thank very much for the Dhanuka Agritech for this, giving this and selecting our for this award. Thank you very much. आज के शाम के अवार्ड्स की आखिरी कैटेगरी है इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स एट जोनल लेवल। अवार्ड जाता है राधा माधव फर्टिलाइजर को। राधा माधव फर्टिलाइजर को भारत के पूर्वी क्षेत्रीय स्तर से धानुका इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स फ्रॉम ईस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। श्री उत्तम मंडल के नेतृत्व में राधा माधव फर्टिलाइजर अपने माध्यम से किसानों तक उन्नत बीजों, मिट्टी स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा और पशुधन पर व्यवहारिक जानकारी के प्रसार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब बारी है वेस्ट जोन की और वेस्ट जोन से इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स एट वेस्ट जोन लेवल में अवार्ड जाता है रोहन सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स को। रोहन सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स को भारत के पश्चिमी क्षेत्रीय स्तर से धानुका इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स फ्रॉम वेस्ट जोन से सम्मानित किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आय में सुधार लाने के लिए कृषि समुदाय की जानकारी में सकारात्मक योगदान देने के लिए इस संगठन ने खुद को पूरी ईमानदारी और सशक्त व्यवसायिक नैतिकता के साथ सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। सर आपको परिचय दीजिए। रोज सीड साइड पेंटी साइड अहमदनगर महाराष्ट्र। ये अवार्ड सर्विस इनपुट डीलर्स के लिए मुझे मिला है। जो फार्मर शॉप में आते हैं उनको अच्छी सर्विस देना, इसके बारे में ये अवार्ड मिला है। सर आपको ये अवार्ड लेके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये धानुका कंपनी की तरफ से जो अभी कल और आज जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है और उनका हमें सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब बारी है नॉर्थ जोन की। इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स एट नॉर्थ जोन लेवल में अवार्ड जाता है अग्रवाल सीड्स कॉर्पोरेशन को। अग्रवाल सीड्स कॉर्पोरेशन को भारत के उत्तरी क्षेत्रीय स्तर से धानुका इनोवेटिव एक्सटेंशन सर्विस अवार्ड फॉर इनपुट डीलर्स फ्रॉम नॉर्थ जोन से सम्मानित किया जा रहा है। यह संस्थान लगभग दो दशकों से किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। श्री करोड़ीमल नवीनतम उन्नत तकनीक में खुद को शिक्षित करते हैं और किसानों को सही फसल समाधान और एकीकृत पौध संरक्षण उपायों की सलाह देते हैं। इन्होंने खादों और अन्य आदानों की स्मार्ट बिक्री के लिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी जानते हैं। किसानों तक पहुंचने के कई नायाब तरीके हो सकते हैं। किसान आज वैज्ञानिक रूप से खेती करना चाहता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये मात्र एक नारा नहीं है। इसे किसान अपनी कृषि में पूरे दिलो जान से इस्तेमाल कर रहा है और आगे बढ़ के करना चाहता है। धानुका का लगातार ये प्रयास होगा कि हम कैसे लैब में जनरेट की गई जानकारी, लैब में इकट्ठी की गई या वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित जानकारी को हम कैसे किसानों के खेत में कृषि तक पहुंचाएं। लैब टू लैंड की एक कड़ी धानुका है और हम इस कड़ी को आने वाले समय में अधिक से अधिक मजबूत और सशक्त बनाएंगे। धानुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें
www.dhanuka.com या फेसबुक पर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड को फॉलो करें। फसलों के बारे में वैज्ञानिक मार्गदर्शन के लिए देखें www.transformingindia.co.in।